हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से आपके फोर्थ सेमेस्टर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं और आप फोर्थ सेमेस्टर में एंटर कर चुके हैं। और फोर्थ सेम के हम फर्स्ट चैप्टर जयप्रकाश नारायण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें जेपी नारायण भी कहा जाता है, वो केवल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से ही नहीं जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वो भारत की स्वतंत्रता के बाद भी जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी, सामाजिक गतिविधियाँ थी, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई है। ख़ास तौर पर जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो दलीय राजनीति थी, दलों पर आधारित राजनीति थी, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी प्रहार किया है। और राजनीतिक सुधारों की बात जेपी नारायण करते हैं भारतीय स्वतंत्रता के बाद में। तो इनके बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं, आंदोलन रहे हैं, जिसकी वजह से ये भारतीय राजनीति के, या यूँ कहें भारत के लोकनायक के तौर पे जाने जाते हैं। इस तरह से आज जो हम अभी तक आपने जो इंडियन थिंकर्स पढ़े हैं, पिछले सेम में 8 आप इंडियन थिंकर्स पढ़ चुके हैं, उसमें आप लोगों ने समझा था कि किस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक जो विचारक थे, उनके कैसे रहे हैं। लेकिन अब हम जो थिंकर्स पढ़ने वाले हैं, उनमें मोस्ट ऑफ ऐसे थिंकर्स हैं जिनका भारतीय स्वतंत्रता के बाद भी राजनीतिक गतिविधि में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उसी में से हम आज कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण को। तो सबसे पहले अगर जयप्रकाश नारायण जी की बात करें, तो जैसे मैंने बताया, जयप्रकाश नारायण जो है, उनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। एक इम्पोर्टेंट MCQ है, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि निम्न में से कौन लोकनायक के तौर पर जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था, बिहार के मुंगेर जिले के सितपदरिया गांव में। इनके ये कायस्थ परिवार, ब्राह्मण जाति का एक उच्च कुल होता है ब्राह्मणों में भी, कायस्थ। तो ये कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हरसुदयाल और माता का नाम फूलरानी था। तो ये तो एक बेसिक सी नॉलेज हो गई। इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है गांव से ही हुई, फिर अपने जो आगे हायर एजुकेशन है वो इन्होंने बिहार से ही की। तो इस तरह से ये जो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये इनके जीवन से संबंधित मैंने आपको कुछ बताई हैं। अब जो मेन क्वेश्चन आपका बनता है, खास तौर पर जब आप 16 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा और उसमें पूछेंगे कि भारतीय जयप्रकाश नारायण का भारतीय राजनीति में क्या योगदान है, तो उस भूमिका के दौरान आपको ये लिखना है कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ आती है वो है कि इनके जीवन पर, इनके राजनीतिक विचारों पर कुल 4 विचारधाराओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अगर इन 4 विचारधाराओं की हम बात करें, तो इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है। आप इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो उसमें भी, हालांकि ये पॉइंट के तौर पर नहीं दे रखे हैं, मैं पॉइंट के तौर पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो 4 भागों में आप उसमें देखेंगे कि बटा हुआ है इनका जीवन इतिहास। तो सबसे पहले इनके ऊपर जो है गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा, खास तौर पर जब ये अपने टीनेज में थे, जब यंग थे और स्कूल में पढ़ रहे थे, उस दौरान जो है गांधीवादी मूवमेंट बहुत अधिक चल रहे थे। 1917 से लेकर 1920 तक, खास तौर पर जो गांधी जी का 1920 में जो असहयोग आंदोलन था, उससे वो बहुत अधिक प्रभावित हुए। और अपने टीनेज में ही, अपने यंग अपने जीवन के बहुत ही शुरुआती पलों में ही, ये गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित होकर उनके आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। तो पहली जो विचारधारा इनके राजनीतिक विचारों को प्रभावित करती है, वो गांधीवादी विचारधारा है। अब हम अगर दूसरी विचारधारा की बात करें, वो है मार्क्सवादी विचारधारा। देखिए, मार्क्सवादी विचारधारा इनके अंदर भारत में रहते हुए नहीं पनपी है। ये जब 1922 में ये अमेरिका अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत सारे जो है मार्क्सिस्ट नेताओं से मिलते हैं। मार्क्सिस्ट लोग जो विचारधारा के जो बहुत बड़े बड़े महान नेता थे, उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं और उनसे प्रभावित होकर ये मार्क्सवादी विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित हो जाते हैं। तो जिन जो जिन जिनके ये पढ़ते हैं, जैसे कि एंटोले फ्रांस, इब्सन, मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स, लेनिन, ट्रॉटस्की और भारत की M.N. रॉय, ये सब मार्क्सवादी थे। तो इनकी रचनाएं इनको पढ़ने को मिली। कोशिश करना कि भूमिका में आपके 2-3 नाम जरूर लिखें। पिछले सेम में मैं आपको बता ही चुकी हूँगी कि मार्क्सवादी होता क्या है, मार्क्सवाद क्या है। कार्ल मार्क्स द्वारा जनरेट की गई एक विचारधारा है, जिसमें बताया गया है कि अमीर
दो वर्ग हैं इस समाज में, एक अमीर और गरीब, और अमीर हमेशा गरीब वर्ग को दबाता है, और इसी अमीर गरीब के बीच की खाई को ख़त्म करना ही जो नए नए उन्होंने इसके लिए विचार दिए, इस खाई को ख़त्म करने के लिए जो रिवोल्यूशनरी या क्रांतिकारी विचार दिए हैं, वो सब मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार जयप्रकाश नारायण सबसे पहले गांधीवादी विचारधारा से फिर मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो 1922 में गए अमेरिका जो जयप्रकाश नारायण, 1929 में वापस भारत आते हैं, और जब भारत में आते हैं तो ये माहौल देखते हैं, उस टाइम जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसी युवा कांग्रेसी नेता पीढ़ी का जन्म हो चुका होता है, और जैसे 1929 में आते हैं तो लाहौर में एक अधिवेशन की बहुत अधिक चर्चाएं हो रही है, बहुत ही प्रसिद्ध अधिवेशन जो आप पिछले सेम में भी कर चुके हैं, लाहौर अधिवेशन जो कि रावी नदी के तट पर हुआ था 1929 में, और इसमें भारत ने पहली बार संपूर्ण स्वतंत्रता की बात की थी, भारतीयों ने अपना झंडा फहराया था जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। तो इस बहुत बड़े जो अधिवेशन का हिस्सा बनते हैं जयप्रकाश नारायण, और फिर ये कांग्रेस जो है कांग्रेस के विचारों के बहुत अधिक समर्थक हो जाते हैं, कांग्रेसवादी विचारधारा के ये साथ चलने लगते हैं। तो तीसरी विचारधारा का जन्म होता है कांग्रेसवादी विचारधारा का, जो कि लगातार इनके साथ बनी रहती है, बहुत सारे अधिवेशनों में ये भाग लेते हैं। 1942 में ये जो है भारत छोड़ आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, कांग्रेस के साथ इनका लगाव काफ़ी लंबे समय तक रहा। चौथी विचारधारा जो है वो समाजवादी विचारधारा है, ये इनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा है। समाजवाद क्या होता है ये मैं आपको पिछले सेम में बता चुकी हूँ, इस सेम में फिर मैं रिपीट करती हूँ कि मार्क्सवाद से ही निकला है समाजवाद, ये भी अमीर गरीब समाज के प्रत्येक तरह के वर्ग, चाहे लिंग के भेद, लिंग के आधार पर, भाषा के, धन के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी प्रकार का भेद है, उन सब भेदों, उन सब असमानताओं को खत्म करके समानता की बात करता है समाजवाद। तो ये समाजवाद की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। 1934 में एक समाजवादी दल बनता है, बहुत फेमस है, पिछले सेम में भी आपने पढ़ा था, 1934 में एक समाजवादी दल बनाया जाता है, बी एन राव और बहुत सारे, एम एन रॉय, बहुत सारे लोहिया, बहुत सारे नेता इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें जयप्रकाश नारायण भी अपनी बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित होकर ही एक 1948 में जो है 1948 में एक प्रजा समाजवादी दल की स्थापना करते हैं। देखिए मैंने इसमें यहाँ पर बताया है समाजवादी विचारधारा का प्रभाव, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है अलग ही पॉइंट में कि इनके जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव समाजवादी विचारधारा का रहा है। 1936 में कुछ नेताओं के साथ मिलकर इन्होंने समाजवादी दल की स्थापना की थी, और इम्पोर्टेंट MCQ है 1948 में इन्होंने प्रजा समाजवादी दल की स्थापना की थी। इस तरह से वो समाजवादी शब्द के साथ जुड़े रहे, और ख़ास तौर पर जब इन्होंने कांग्रेस दल, ख़ास तौर पर स्वतंत्रता के बाद जब कांग्रेस दल से इनका मन भर जाता है और इनको लगता है कि जो राजनीति है वो सिर्फ दल के आधार पर राजनीति बन गई है, जहाँ पर एक कांग्रेस जैसे दल का बोलबाला है, यानी कि वास्तविक लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, और जो राजनीतिक दल है कांग्रेस उस समय सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रहा है, ऐसा कुछ उनको प्रतीत हुआ और उनका मन भर जाता है राजनीति से। तो 1954 में वो राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पूरी तरह से सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ जाते हैं, और सबसे पहला उनका जुड़ाव होता है विनोबा भावे, बहुत बड़े समाजवादी समाज सेवी हुआ करते थे और समाजवादी थे, उनके सर्वोदय भूदान आलोदन आंदोलन के साथ वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से उनके सर्वोदय संबंधी विचार शुरू होते हैं, समाजवादी विचार बहुत अच्छे से निकल कर आते हैं। तो विनोबा भावे को आप जरूर याद रखिए जब भी जयप्रकाश नारायण को आप पढ़ें, और सर्वोदय आंदोलन को जरूर याद रखें, और यहाँ पर यह भी ध्यान रखें कि उन्होंने राजनीति से संन्यास कब लिया, 1954 में। फिर बात करते हैं, देखिए 1971 में जो है कांग्रेस की इंदिरा गांधी की सरकार आती है, और उस सरकार के 5 साल के कार्यकाल में बहुत सारे राजनीतिक पतन के काम होते हैं, बहुत सारे सामाजिक बुराइयाँ जैसे भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो एक जन आंदोलन शुरू हो जाता है, और उस जन आंदोलन का नेतृत्व जो है उस वक्त जयप्रकाश नारायण करते हैं, इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों
का विरोध करने के लिए। उसके बाद देखिए उनको इस जन आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए बिहार राज्य छात्र संघर्ष समिति उन्हें इनवाइट करती है, जो कि छात्रों का एक संगठन है। और ये समिति जेपी नारायण से एक गुजारिश करती है कि वो सरकार द्वारा फैलाई गई भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, कालाबाजारी आदि इन इन सब नीतियों के खिलाफ आंदोलन करें और नेतृत्व करें। तो इस जन आंदोलन के साथ उन्होंने राजनीति में वो फिर पुनः प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से जो है 1975 में इतना बड़ा जन आंदोलन देखने के बाद इंदिरा गांधी, देखिए मैंने यहाँ पे ये हिंदी में लिखा हुआ है, ये 1975 है। तो 1975 में इंदिरा गांधी क्या करती है, इतना जन आंदोलन देखने के बाद और उसमें इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इंदिरा गांधी जी को कहीं ना कहीं ये महसूस हो जाता है कि ये 1975 के इलेक्शंस के दौरान उनका जीतना मुमकिन नहीं है। तो वो देश में जो है जन आंदोलन को एक आंतरिक विद्रोह की घोषणा करते हुए कि देश में एक आंतरिक जो है स्थिरता नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देती है, जो पूरी तरह से असंवैधानिक होता है। जो संविधान में जो प्रक्रिया अपनाई गई है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की, जो मैं 352 के तहत आपको फर्स्ट सेम में बता चुकी हूँ, उस प्रक्रिया को इंदिरा गांधी बिल्कुल नकार देती हैं। और सर्वसत्तावादी यानी कि तानाशाही, जैसे कि हिटलर की सरकार थी, वह इस आंदोलन को चुनने के लिए वो सर्वसत्तावादी नीतियों को अपनाना शुरू कर देती हैं। ऐसे में जयप्रकाश नारायण को 1975 में पता चल जाता है कि कांग्रेस सरकार जो है दमनकारी नीतियों के नीतियां अपनाने लगी हैं सत्ता में रहने के लिए, और जेलों में जो है सरकार उस समय भरना शुरू कर देती है सारे समाजवादी नेताओं को, बड़े बड़े नेताओं को। तो ऐसे में जयप्रकाश नारायण जेल में ही ये बात महसूस करते हैं कि अगर देश में लोकतंत्र को बचाए रखना है, मजबूत रखना है, तो एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, बहुत अधिक जरूरी है। इसीलिए जितने भी दल हैं उनको एक साथ आ जाना चाहिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और एक मंच पर आकर खड़ा हो जाना चाहिए। तो इस तरह से वो सभी जेल में ही सभी राजनीतिक दलों को एक साझा दल बनाने की बात करते हैं, और वो साझा दल बनता है जनता दल। तो ये इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण के सहयोग से, या जयप्रकाश नारायण के सहयोग के जो है प्रेरणा से जो है जनता दल का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से दल का निर्माण होता है, जनता दल का। तो यही जो जनता दल है आगे जाकर 1977 में जब इलेक्शन होते हैं, 2 साल इमरजेंसी चलते हैं, उस इमरजेंसी के खत्म होते ही देश में इलेक्शन होते हैं लोकसभा के। उस लोकसभा इलेक्शन में जो कांग्रेस का जो अभी तक का लगातार रूल होता आया था भारत में, तो वो रूल खत्म हो जाता है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। जनता दल जो है वो दल जीत जाता है और पहली गैर कांग्रेसी सरकार जो है बन जाती है। ये आप फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में बार बार पढ़ चुके हैं कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, 1977 में, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, जनता दल पार्टी के नेतृत्व में बनी थी। तो ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी जाती है कि उन्होंने इतना बड़ा जन आंदोलन का नेतृत्व किया, उन्होंने देश में जो है सत्ता पलटने का एक बहुत बड़ा काम किया, एक आम आदमी होते हुए भी। ऐसा ही आप एक मूवमेंट देख सकते हैं, 2011 में अन्ना हजारे मूवमेंट होता था, उसके तो आपके पेरेंट्स भी बहुत अधिक वो देखा आंदोलन, पास से जानकार रहे हैं तो कभी पूछना। तो वैसा ही जैसा अन्ना हजारे ने वो आंदोलन शुरू किया था, वैसा ही कुछ जेपी नारायण का आंदोलन था। 8 अक्टूबर 1979 को जो है ये महान विभूति का निधन हो जाता है। तो इस तरह से हमारे जो भूमिका है वो खत्म होती है 16 नंबर के क्वेश्चन की। कुछ महान लोगों के जो विचार है नारायण जी के प्रति, जिन्हें हम परिभाषा के तौर पर भी लिखते हैं, तो वो परिभाषाएं तो आपको लिखनी है। जैसे मोरारजी देसाई के अनुसार जेपी नारायण नारायण हिंसक क्रांति का विरोध करके आम जनता को शांति के मार्च पर चलने को कहते थे, इसी वजह से वो लोकनायक कहलाए। दूसरा कुलदीप नैयर जी ने दी है परिभाषा कि भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना आदि बुराइयों को नारायण जी व्यवस्था की उपज मानते थे, तथा इन्हें संपूर्ण नष्ट करने के लिए व्यवस्था में बड़े परिवर्तन करने के पक्ष में थे। तो ये दो महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप 16 नंबर के क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे। बुक में रचनाएं नहीं दी हैं जयप्रकाश नारायण की, लेकिन पूछा गया है एमसीक्यू में कई बार, तो आप ये सारी जो बुक्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लें। संपूर्ण क्रांति, जो 16 नंबर का क्वेश्चन भी हम करने वाले हैं, वो संपूर्ण क्रांति जो है शब्द जहां भी आ जाए एमसीक्यू में, तो वो जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है, वो आप एमसीक्यू में टिक कर सकते हैं। समाजवाद क्यों, वाई सोशलिज्म, संघर्ष की ओर, टू वॉर स्ट्रगल,
समाजवाद, सर्वोदय, लोकतंत्र, भारत में राष्ट्र निर्माण, भारतीय राजनीति के पुनः निर्माण पर एक याचिका, कम्युनिस्ट समाजवाद एवं पंचायती राज, देश की समस्या और ग्रामदान, जेपी की जेल यात्रा, ये सारी जो है इनकी बुक्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जिसमें से समाजवाद क्यों संपूर्ण क्रांति की ओर, समाजवाद, सर्वोदय, लोकतंत्र पहले एग्जाम में पूछी गई हैं, जो कि आपकी बुक्स में नहीं दे रखी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो जब नोट्स बनाएं तो आप इनके साथ इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज जो है आपका इतना ही जो है यह चैप्टर फर्स्ट वीडियो आपका खत्म होता है, तो आप इसको प्रिपेयर करें, पढ़ें बार बार, जल्दी इसका टेस्ट भी होगा। थैंक यू।